पौरी के डॉक्टर राजू पर 7,000 रुपए की रिश्वत का महिला ने लगाया आरोप। एमएलसी और रेफर के बदले मांगे थे रिश्वत। शिवपुरी जिले के पौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुम्हार मोहल्ले की महिला ने पौरी के डॉक्टर राजू पर 7,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार पिंकी कुमार पत्नी शिवपाल सिंह कुम्हार निवासी कुम्हार मोहल्ला थाना पौरी ने आज एसपी से शिकायत करते हुए बताया कि 17 अप्रैल को उसके पड़ोसी सुनील लल्लू अजय दिनेश प्रजापति के साथ विवाद हुआ था, जिसकी रिपोर्ट पौरी थाने में दर्ज कराई गई थी। पौरी थाने के डॉक्टर राजू ने एमएलसी नहीं की और एमएलसी एवं रेफर के बदले 7,000 की मांग की थी और कहा कि मैं सब कुछ करवा दूंगा। इसके बाद महिला ने बाहर जब हाथ का एक्सरे करवाया तो उसके हाथ में फ्रैक्चर आया, जो कि थाने पर मान्य नहीं हुआ और उनसे कहा कि यह प्राइवेट एक्सरे है, सरकारी एमएलसी लगेगी। इसकी शिकायत आज महिला ने एसपी ऑफिस में दर्ज कराई है। क्या नाम है आपका? पिंकी। कौन समाज है आप? अरे यार, पर यार। कहाँ रहते हैं? बोल। क्या समस्या लेकर आए थे आप यहाँ? जी लेके आए। तो क्या आवेदन लेकर आए हैं? क्या समस्या? मतलब सुनवाई नहीं हो रही है भाई। वहाँ गए हॉस्पिटल में गए तो 7,000 रुपये मांग रहे हैं हॉस्पिटल वाले डॉक्टर। एमएलसी कराए के डॉक्टर? पौरी के डॉक्टर। क्या नाम है डॉक्टर का? राजू। राजू राजू नाम है डॉक्टर का। हाँ, क्या कह रहा था? रेफर करने की 7,000 रुपये। हाँ, रेफर करने की 7,000 रुपये। मुझे कह रहे हैं सब कुछ करवा दूंगा 7,000 रुपये। क्या हो गया था? आपकी किससे लड़ाई हुई थी? नाम बताओ उनके। कौन से लड़ाई हुई? सुनील लल्लू और क्या नाम है? दिनेश। अजय। अजय कौन है? ये आपके गांव के हैं? भाई मोहल्ला के हैं, बगल के ही हैं। तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वो 6 महीने से चल रहा है। क्या 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 भैया को धमकी देते हैं मारने की? जो आएगा तो उसको मारेंगे काटेंगे। क्या नाम है भाई? अच्छा, तो किस बात को लेकर मारने की धमकी देते हैं वो? उस पर कहीं ना कोई वो आरोप लगाते ही हैं उस पर। कहीं कहता है कि लड़की चिढ़ता है, कहीं कहता है कुछ करता है। मतलब वे कुल मिला के वो उसको रहने ही दे रहे वहाँ। तो थाने में शिकायत की थी आपने? थाने शिकायत की है हमने। फिर थाने में शिकायत करी और फिर फटवा दी। तो क्या कार्रवाई हुई? एमएलसी नहीं कराई उनने। तो इसी बात को लेकर इनकी मारा पीटी की? इसी बात सर। वो तो घर पे आए हैं, घर पे आकर मारा पीटी करी उनने तुम्हारी। तो भाई आपका है कि इनका है? दोनों का है, दोनों बहने हैं। आप दोनों बहने? दोनों बहने हैं। आपका नाम क्या है? सीमा। तो आज एसपी साहब के पास आए तो क्या बात हुई थी आपकी? बात क्या हुई? उनने बोल दिया है वहाँ पे, मतलब वहाँ जाओ उनसे बोलो। तो इसी वजह से आपका भाई शहर में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना आपके गांव में? पता नहीं उन्होंने मार दिया, क्या कर दिया उसको, कहीं पता ही नहीं है कुछ भी। कब से लापता है आपका भाई? वो भी मतलब बहुत टाइम हो गया उसको, 1 महीने समथिंग हो गया। कुछ है आपके पास उसका फोटो वगैरह? भाई का फोटो वगैरह हम पे तो कुछ नहीं है, हम तो खाली खड़े हैं। देख रहा शादीशुदा है आपका भाई? नहीं है, कुंवारा लड़का है। कितनी उम्र होगी? होगी उसकी 27-28 साल। तो जब से ये लापता है? जब से लापता है। इन लोगों ने पता नहीं है क्या करा उसका, हमें भी कुछ पता नहीं चल रहा कोई भी चीज़ का। तो पुलिस क्या क्या कहती है इस बारे में? ढूंढने में मदद कर रही है आपकी? ढूंढने में क्या, हम तो ये कह रहे हैं हमारे जी करवा दो, हमें मतलब वो तो जाए थोड़ा पर मालूम चल जाए इसका। और हमारा एक्सरे मान्य नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं प्राइवेट एक्सरे है, पता नहीं तुम्हारा है कि किसी और का है।